हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश और गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है लीजिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो गाइस आज तक आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, आपने ये देखा होगा कि शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा के आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप 21% का अपना ROI निकाल सकते हैं। जी हाँ, मतलब आपने जितना पैसा लगाया उसके ऊपर 20-21% का रिटर्न यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं केवल अपनी जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ और आपका डिसीजन होगा कि इसके अंदर आपको पैसा लगाना या नहीं लगाना। तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है GRIPInvest.in। जी हाँ, ये गाइस एक स्टार्टअप है, 8-9 महीने पुरानी कंपनी है और एक ये लीजिंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। देखिए अब ये काम कैसे करता है। तो पहले मैं रिटर्न्स की बात करता हूँ। देखिए मेरे इसके ऊपर ऑलरेडी अपना अकाउंट खुला हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मेरे सामने दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है वोगो, एक आ रहा है मोस्ट डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड ऑफ लीजिंग। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होता क्या है। फॉर एन एग्जाम्पल इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये गाइस जो वोगो है वो ऑन डिमांड पर्सनल मोबिलिटी कंपनी, मतलब जो स्कूटर्स होते हैं वो रेंट के ऊपर देती है लोगों को और ये काफी अच्छी खासी कंपनी है। अगर इस कंपनी की मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आप यहाँ पे देखेंगे करंट बेस के ऊपर इसने कम से कम 500-600 करोड़ रुपए की यहाँ पे फंडिंग उठा रखी है। तो गाइस काफी अच्छी कंपनी है। अब गाइस लीजिंग के अंदर होता क्या है, अब ये जो वोगो कंपनी है इनको चाहिए होते स्कूटर्स। जी हाँ, अब ये स्कूटर क्या करेगी, ये स्कूटर गाइस बाई नहीं करते हैं कंपनी से, ये क्या करते हैं लीज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ग्रिप इन्वेस्ट क्या करता है, ग्रिप इन्वेस्ट ये करता है कि आपके मेरे जैसे जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनसे पैसा इकट्ठे करके ये एक स्कूटर को खरीदते हैं। उस स्कूटर को खरीदने के बाद में सिंपली ये जितनी भी जो कंपनीज होती है, चाहे वोगो है या फिर रेंट मोजो है, इन्होंने जिनसे भी टायर किया होता है उनको ये लीज के ऊपर दे देते हैं। इससे लीज के ऊपर देने से क्या होता है, इनको जो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर दिया गया है जिसके अंदर मान लीजिए 20,000 रुपए डालता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री टैक्स रिटर्न जो है 25,000 रुपए मिलेगा, मतलब 20,000 का सीधा 25,000 रुपए हो जाएगा 20.4% की रेट ऑफ रिटर्न से 24 महीने के अंदर। जी हाँ, तो गाइस इतना रिटर्न आपको विदाउट मार्केट लिंक, मतलब बेसिकली कोई भी आपको शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना, आपको कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं लगाना, ये सिंपली एक लीजिंग बिजनेस है। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं जो लोग कंफ्यूज है कि ये किस तरीके से यहां पे काम करता है। तो देखिए आप सिंपल सी बात है, मैंने जैसे बताया आपको कि सबसे पहले ये करता है पार्टनर्स को ऑनबोर्ड, मतलब हमारे और आपके जैसे जो भी छोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर बुलाएगा, यहां पे साइन अप करवाता है। उसके बाद में उनसे पैसा इकट्ठा करता है, पैसा इकट्ठा करने के बाद में जो जो इनके पार्टनर्स है, जैसे अगर मैं बात करूं तो बाउंस हो गया, फ्लुएंस हो गया जो एक फर्नीचर की कंपनी है, ज़िप हो गई, रेंट मोज हो गया, रेंट चीर हो गई, उसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पे कुछ ड्रिंक प्राइम हो गया, मतलब एयर प्यूरिफाई की कंपनीज है, बैटरी स्मार्ट हो गई, ई बाइक गो हो गई, इसके अलावा यहाँ पे स्टैंजर लिविंग हो गई जो कि एक हॉस्टल कंपनी है। तो गाइस ये काफी अच्छे खासे स्टार्टअप है जिन लोगों ने करोड़ों के अंदर यहाँ पे फंडिंग उठा रखी है, मतलब आपका पैसा ऐसा नहीं है कि डूब जाएगा, मतलब यहाँ पे सिंपल सा फंड है। ये समझिए ये लोग क्या कर रहे हैं, जो भी असेट जिनको भी चाहिए होती है सिंपली वो लोग ये खरीदते हैं और उसके बाद में उसको आगे लीज के ऊपर देते हैं। अब खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो ये इनको इन्वेस्टर चाहिए होंगे, आप जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो कि रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। तो सिंपली ये ऑनबोर्ड करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपसे केवाईसी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगेंगे आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में आप जो भी यहाँ पे पैसा डालेंगे सिंपली वो उससे असेट्स खरीदेंगे और वो असेट जो आगे लीज के ऊपर ये दे देते हैं। और गाइस अब मैं बात करता हूँ ये रिटर्न्स किस तरह से यहाँ पे देते हैं। तो देखिए मेरे सामने कैलकुलेटर खुला हुआ है, तो अभी राइट नाउ इनके सामने मेरे डैशबोर्ड के अंदर जैसे दो चीजें यहाँ पे दिख रही है, तो सबसे पहले वोगो का देखते हैं। तो देखिए गाइस जैसे अगर मैं यहाँ पे 20,000 रुपए लगाता हूँ तो यहाँ पे इनका XIR मतलब 20.4% का यहाँ पे रिटर्न है। तो टोटल रिटर्न्स की बात करूं तो मतलब 2 साल 20,000 रुपए अगर आप आज लगाते हैं तो 2 साल बाद आपको 22,940 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये 2 साल बाद नहीं मिलेंगे। लीजिंग के अंदर गाइस क्या होता है, आपको मिलता है मंथली पेमेंट। जी हाँ, तो मंथली पेमेंट कैसे मिलता है, मान लीजिए आज आपने यहाँ पे 20,000 रुपए लगाए, मतलब -20,000 रुपए, उसके बाद में गाइस क्या होता है हर महीने आपको कुछ पैसा यहाँ पे मिलता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने, अगर यहाँ पे मैं 20,000 लगाता हूँ तो 760 रुपए हर महीने मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पे डिपॉजिट होते रहेंगे। तो गाइस एज कंपेयर टू अगर बैंक FDs की बात करूं या फिर शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की बात करूं तो उनके अंदर ऐसी चीजें नहीं होती है, वहां पे आपको लास्ट में मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिलता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको मंथली बेस पे यहां पे पे आउट मिल रहा है। अच्छा, खास बात इसकी है कि इसमें रिटर्न्स ज्यादा है, लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर टैक्स रेट भी उतनी ही ज्यादा है। जी हाँ, तो गाइस इसमें ऑन एन एवरेज 9% की टैक्स रेट रहती है। तो देखिए मैं वापस अपने कैलकुलेटर के ऊपर चलता हूं, तो ये देखिए मैं जैसे वोगो के ऊपर चलता हूं और यहां पे मैं लगाता हूं मान लीजिए 50,000 रुपए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 50,000 रुपए का सीधा 63,000 रुपए हो जाएगा प्री टैक्स रिटर्न, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो है 57,000 रुपए। अगर वी यहाँ पे व्यू रीपेमेंट शेड्यूल की बात करूं तो आप देख सकते हैं अगर मैं 50,000 रुपए लगाता हूं तो भाई साहब हर महीने 1900 रुपए की इनकम मेरी कंफर्म हो गई, मतलब मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट के अंदर
₹1900 हर मंथ जो यहाँ पे क्रेडिट होते रहेंगे, और एट दी एंड मतलब जब ये असेट सेल होगी बेसिकली, तब ₹19000 समथिंग जो है मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएंगे। मतलब पहले छोटे छोटे अमाउंट, फिर एक साथ बड़ा अमाउंट। तो गाइस लीजिंग के अंदर इस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है। अगर देखिए मैं यहाँ पे और चीजों की बात करूँ कि इन्होंने कितने असाइनमेंट या कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर डाले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देखिए आप नीचे यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने कई सारी फ्लुएंसर को यहाँ पे जो है 21.8 रेट के हिसाब से 1.7 करोड़ पे रेज कर लिए, फिर होलिस में 1.2 करोड़, फिर उबर के अंदर 1 करोड़ रुपीज दिया। तो मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे उबर जैसी कंपनियां भी यहाँ पे, जो अशोक लीलैंड है ऐसी कंपनियां भी यहाँ पे इनमें पार्टिसिपेट कर रही है। मतलब ये देखिए अशोक लीलैंड को सिंपली चार्जिंग स्टेशन चाहिए, उसके लिए इन्होंने 52 लाख रुपए रेज किए इन्वेस्टर के थ्रू, जिसके अंदर ये इन्वेस्टर को 21.5% का रिटर्न देंगे। अब गाइस मैं बात करूंगा एक्टिव के अंदर, एक्टिव के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी ऑनगोइंग सिर्फ 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और गाइस इसमें क्या होता है, एक बार जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 107% प्रोग्रेस, मतलब इतना पैसा इसमें डल चुका है, अब इसमें और ज्यादा पैसा नहीं डल सकता, ये ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। लेकिन ये दूसरी वाली जो डील है इसमें 36 महीने के लिए ₹20,000 आपको डालना है और 20.2% का रिटर्न होगा। अच्छा एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे टैक्स का रेट भी लगता है। तो अगर मान लीजिए मैं ₹20,000 डालता हूँ और आप बेसिकली यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे जैसे मैंने लगाया ₹20,000 और जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे टैक्स की रिटर्न आती है। जी हाँ, तो अल्टीमेटली अगर मैं ओवरऑल रिटर्न्स की बात करूं तो 20.4 माइनस अगर 9.1 करते हैं तो फिर भी आपके हाथ में 11-12% का अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे बचता है। तो गाइस यहाँ पे अब मैं बात करूंगा कि रिस्क क्या है भाई, कि मान लो कल को ये कंपनी डूब जाए या कुछ हो जाए तो इसमें रिस्क क्या है। तो गाइस आप जो भी कंपनी के अंदर, जिस भी कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाह रहे, जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना चाह रहे, वहां पे सिंपली यहाँ पे देखिए रिटर्न कैलकुलेटर होता है, एक सैंपल लीज एग्रीमेंट होता है, उसकी प्रोफाइल होती है, और एक LLP का एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे FAQ के अंदर पूरी चीजें दी हुई थी कि कहां पे रिस्क होता है, कि किस तरीके से रिस्क होता है। अब देखिए अगर मैं रिस्क की बात करूं तो यहां पे देखिए रिस्क फैक्टर साफ-साफ लिखा होता है कि ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोजर मेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द वोगो। अब मान लीजिए ये क्या होता है बेसिकली गाइस, ये जो जितनी भी कंपनियों के साथ में टाई अप करते हैं ये बेसिकली स्टार्टअप्स कंपनीज होती है या कोई अच्छी खासी रिनोट कंपनी होती है जिनको ये लीज के ऊपर देती है। तो गाइस इसके अंदर जो भी ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो इनमें ऐसा कोई रिस्क नहीं रहता। लेकिन हाँ बाई चांस मान लीजिए कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो बेसिकली आपने जो पैसा लगाया हुआ है डेफिनेटली उसके ऊपर रिस्क रहता है। लेकिन एक फायदा यह है कि ग्रिप इन्वेस्ट जो है बेसिकली यहाँ पे सिक्योर भी करता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो बेसिकली असेट्स खरीदी है उसको बेच के भी जो है वो पैसा निकाल सकता है। लेकिन अगर उसको बेच के भी अगर इन्वेस्टर का पैसा नहीं निकल पा रहा है तो ज्यादा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो गाइस ये मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया कि ये एक लीजिंग का मेथड, लीजिंग का प्लेटफॉर्म है जो आपको आराम से 10-12% आपको 12% तो आप मान के चलिए आराम से आपको रिटर्न दे देगा। और सबसे अच्छी खास बात यह कि आपको हर मंथली के यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पेमेंट करने वाला है। तो गाइस इसके अंदर बहुत सारी यहाँ पे डील चलती रहती है, सिंपली आपको साइन अप करना है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे साइन अप करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा मैंने इसके रिव्यूज देखे तो कई इन्वेस्ट यहाँ पे जो इनको इनमें इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं डेफिनेटली उनको पैसा उनको वापस मिल रहा है और यहाँ पे एकदम जेन्युइन चीज है। मतलब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मार्केट के अंदर चलता है और एज ए स्टार्टअप इन लोगों ने ये नया कुछ शुरू किया है तो डेफिनेटली आप ट्रस्ट करके। अच्छा मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करो तो सिर्फ ₹20,000 की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो जगह होती है वहां पे ऑब्वियसली आप ₹500 से शुरू कर सकते थे लाइक म्यूचुअल फंड वगैरह में। लेकिन अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो 12% भाई कम नहीं होता है। तो डेफिनेटली मेरी अगर सजेशन है कि आपको एक बार ये प्लेटफॉर्म हमेशा देखना चाहिए और अपनी समझ और बुद्धि के साथ में आपको यहां पे कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।